सारांश में आपका हार्दिक स्वागत। धर्म, अध्यात्म और भारतीय संस्कृति की इस श्रृंखला में आज बात करते हैं मंगलवार के व्रत के बारे में। मंगलवार अमरदेव हनुमान जी का वार है। हनुमान जी वर्तमान में भी पृथ्वी पर विद्यमान है और अंत तक रहेंगे। जीवन में सुख समृद्धि, हनुमान जी की कृपा पाने के लिए, मान सम्मान की प्राप्ति के लिए यह व्रत किया जाता है। ज्योतिष के अनुसार यदि किसी पर मंगल ग्रह की विपरीत दिशा चल रही हो तो मंगलवार के व्रत से उसका भी निवारण किया जा सकता है, लेकिन 21 मंगलवार तक इस व्रत को रखना पड़ेगा। इस दिन सूर्योदय से पूर्व शैया त्याग कर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर लाल वस्त्र धारण करके लाल पुष्पों से हनुमान जी का पूजन करना चाहिए। हनुमान जी को चमेली के तेल में सिंदूर घोलकर चढ़ाना चाहिए। इस प्रक्रिया को चोला चढ़ाना कहते हैं। तत्पश्चात हनुमान चालीसा का पाठ करें। इस दिन गोबर मिट्टी से चौका देना, अर्थात आंगन को गोबर मिट्टी से नहीं लीपना चाहिए। इस व्रत में एक ही समय भोजन किया जाता है। भोजन में गेहूं के आटे व गुड़ से बना भोजन ग्रहण करना चाहिए। हनुमान जी को केले बहुत प्रिय हैं, अतः नैवेद्य रूप में केले चढ़ाने चाहिए। व्रत में मंगलवार की व्रत कथा अवश्य सुननी चाहिए। मंगलवार की प्रिय वस्तुओं में लाल चंदन, लाल पुष्प और गुड़ से बने पकवान हैं। इस व्रत को करने से रक्त विकार दूर होते हैं, राज सम्मान की प्राप्ति होती है, पुत्र प्राप्ति व सर्व सुख मिलते हैं। हनुमान जी का मंत्र ओम हंग हनुमते नमः का भी जाप यथाशक्ति करना चाहिए। जय बजरंगबली।